आज अगर कहीं भी वीडियो या साउंड में आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो चैट में डाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक थोड़ा सा रिमोट जगह में मैं हूँ और ये जियो फाई से कनेक्ट करके इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इश्यू है जहाँ पे मैं हूँ। तो जियो फाई से कनेक्टिविटी है तो कहीं अगर प्रॉब्लम आएगा तो वीडियो ऑफ करके फिर सिर्फ वॉइस से काम करेंगे। हरे कृष्ण शुरू करते हैं चौथा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरनाथस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तस्मै नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज चौथा अध्याय करेंगे, ठीक है। दूसरे अध्याय में हमने तीन योग पढ़ा था, उन तीन योगों को हम एक एक करके पढ़ रहे हैं अभी। कल हमने कर्म योग पढ़ा, आज हम ज्ञान योग पढ़ रहे हैं। ज्ञान योग का क्या मतलब है? वो ज्ञान जिससे योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो वो योग, वो ज्ञान जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? वो कर्म जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो कल भगवान ने बहुत चीजें बताई। अर्जुन शुरू में थोड़ा विचलित हो गया कि भगवान की वो भक्ति, भगवान की भक्ति को क्या समझ रहे थे। भगवान की भक्ति को उन्होंने जड़ता समझ लिया कि एक एकांत में जाकर के भगवान के नाम का जप करते हैं और युद्ध से विमुख होकर के भगवान ने तो कई चीजें बताई दूसरे अध्याय में। कर्म कि किस तरह निष्काम कर्म करना है, किस तरह ज्ञान योग का, ज्ञान के बारे में बताया, आत्मा शरीर का बारे में बताया, बुद्धि योग के बारे में बताया, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना, फिर स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया दूसरे अध्याय में। तो अर्जुन पूरे विचलित हो गए और फिर भगवान से प्रश्न करते हैं कि एकम वद है, कोई एक चीज आप मुझे बताइए जो मुझे आगे मुझे क्या करना क्या है, एक चीज बताइए, ठीक है। सन्यास या फिर कर्म योग, कर्म सन्यास या कर्म योग। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान बताते हैं कि कर्म सन्यास जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक हम कर्म सन्यास व्यर्थ है, ठीक है। वो मिथ्याचारी है। कर्म इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरणा, ठीक है ना। इंद्रियार्थान विमूढ आत्मा मिथ्याचार सो उच्चते। भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं जो कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से कहीं हिमालय चले गए, कहीं जाकर के अपनी इंद्रियों को संयम कर लेते हैं, परंतु जैसे ही उनको वो इंद्र विषयों के भोग की वस्तु मिलती है वो दोबारा भोग करना शुरू करते हैं। कल हमने वो स्लाइड देखा था ना जहाँ पर एक साधु जो है वो धूम्रपान कर रहा था। तो क्या है, वो जब भी उसको धूम्रपान की ललक तो रही होगी पर उसने दबा लिया होगा कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, परंतु जैसे ही उसे दिखा तो वो उसने धूम्रपान करना शुरू कर दिया। तो इसको भगवान क्या कहते हैं? ऐसे मिथ्याचारी। तो कह रहे हैं नहीं, हम कर्म संन्यास इस बिना हृदय के शुद्धि के नहीं कर सकते।
फिर भगवान ने कल क्या बताया कि हमें क्या करना है, कर्म कैसे करना, भगवान की विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, ठीक है। और अगर वो नहीं हुआ तो क्या करना है, नहीं हुआ तो देवताओं को प्रसन्न करना है, क्योंकि देवता जो हैं हमें भिन्न प्रकार के उनकी अपने अपने विभाग हैं। अगर हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं तो वो फिर हमें बारिश देते हैं और हमें अनाज अच्छा उत्पन्न होता है। भगवान फिर क्या कहते हैं कि हमें भोजन के बारे में बहुत किस तरह हमें भोजन करना है उसके बारे में बताते हैं कि मुझे अर्पित करते हुए करो, नहीं तो जो भी तुम खा रहे हो वो पाप खा रहे, ठीक है। यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भोजन्ते ते त्वगम पापा, पापा यानी पाप खा रहे हैं। तो हमें जो भी भोजन ग्रहण करना है वो क्या करना है, भगवत प्रसाद ग्रहण करना है, ठीक। और एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भगवान ने कल ये भी बताया कि किस तरह लीडरशिप अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तुम कर्तव्य से विमुख हो गए अर्जुन, तो तुम्हारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाला युग है, तुमसे सीखेंगे, तुम तो महापुरुष हो। और महापुरुष क्या करता है, लोगों को सिखाता है, यत यत आचरिति श्रेष्ठे तत् तत् देवेतरो जना, तुमसे लोग सीखेंगे, ठीक है। तो तुम्हें कर्तव्य से अपना विमुख नहीं होना है, ठीक है। तो ये कर करके भगवान फिर तीसरा अध्याय समापन करते हैं और आज हम ज्ञान योग के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सुंदर आने वाला है आज, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको संक्षेप में बता देते हैं। आज हम गीता के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको थोड़ा सा ज्ञान होगा, परंतु जो पहली बार सुन रहे हैं आपको ये सुन करके बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि गीता भगवान ने ये सर्वप्रथम और भी इससे पहले कहा, कब कहा वो भी आज देखेंगे। कुछ गणित भी देखेंगे, कुछ मैथमेटिक्स देखेंगे, ब्रह्मा जी का उम्र निकालने का प्रयास करेंगे गणित के हिसाब से, ठीक है। और भगवान इस धरातल पे क्यों आते हैं, कब आते हैं, उनका आने का क्या कारण है, और जो इस कारण को, भगवान के आने को कारण के प्रयोजन को समझ जाता है, उसका क्या होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को आज हम पढ़ेंगे और अंत में भगवान इन ज्ञान योग कितने तरीके से होते हैं और ज्ञान लेने से क्या प्राप्ति होता है, ये बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो देखिए, अभी तक हमने कोई ऐसा अध्याय नहीं पढ़ा था जो बिना प्रश्न से शुरू हुआ, लेकिन ये अध्याय क्या है, बिना प्रश्न से शुरू हो रहा है। तो जो भी अध्याय बिना प्रश्न से शुरू होता है, जो भगवान स्वतः ही बता रहे हैं, वो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो पहला अध्याय बिना प्रश्न के है और भगवान ही शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्मान वे प्राह मनोरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखिए बहुत पिक्चर बहुत अच्छा है, आपको एनिमेशन से बहुत कुछ इस समझ में आ जाएगा। भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने कहा, मैंने उस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनुष्य को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये देखिए, तीन इसमें तीन कैरेक्टर आए हैं, इस पूरे श्लोक में तीन कैरेक्टर आए हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला नाम आया है विवस्वान, दूसरा नाम आया है मनु और तीसरा नाम आया है इक्ष्वाकु। तो गीता जो है ये पूरे धरातल में लाने के लिए, इस धरती पे लाने के लिए, ये तीन लोगों के द्वारा ये धरती पे आया है। कब से आया है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला भगवान ने ये ज्ञान सूर्य सूर्य देव के राजा, सूर्य के राजा विवस्वान को दिया सबसे पहले। कब दिया ये हम बाद में देखेंगे, ये गणित हम निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये सूर्य के राजा, सूर्यदेव के राजा विवस्वान को दिया। विवस्वान ने ये मनुष्यों के पिता स्वयंभू मनु, ठीक है, तो ये मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश ये इक्ष्वाकु को दिया, ठीक है, जो इनके पुत्र थे और भगवान राम के वंशज के, ठीक है, भगवान के राम के वंशज, भगवान राम इनके ही डिसेंडेंट थे। तो ये इक्ष्वाकु जो थे उनका उनके द्वारा ये पृथ्वी पे गीता आया, ठीक
ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टर, ये तीन जो पात्र हैं, इनके द्वारा ये गीता आया है। पहला विवस्वान, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, कितने साल पहले आया वो हम देखते हैं। विवस्वान को पहला दिया भगवान ने ये ज्ञान, विवस्वान ने मनु को दिया, जो मनुष्यों के पिता, जिससे मनुष्य का नाम आता है मनुष्य, यानी मनु के पिता, हमारे पिता है मनु। ठीक है, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु जो क्या थे, ये धरातल पे रघुवंश कुल के पूर्वज, डिसेंडेंट, यानी भगवान राम जिस कुल में आए उसके पूर्वज इक्ष्वाकु। ठीक है, ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमें ये बताता है कि गीता अध्ययन करने का क्या क्या किस तरह हम किससे ये गीता अध्ययन करना है, ये भगवान हमें बता रहे हैं। ठीक है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषो विदुः सकाले ने महता योगो नष्ट परम तपः। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसे समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छीन हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया है लगता है। ठीक है, तो ये ज्ञान क्यों दोबारा दिया गया, इस ये श्लोक हमें दो चीजें बताता है। पहला, ये ज्ञान कैसी लेनी चाहिए, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया है, परंपरा, एवं परंपरा प्राप्त। ठीक है, एवं परंपरा विधि से, ठीक है, परंपरा विधि से ये ज्ञान लेनी चाहिए। और दूसरा इन्होंने क्या बताया है, दूसरा ये बताया कि ज्ञान दोबारा देने की क्या क्यों आवश्यकता पड़ी अर्जुन तुमको, क्योंकि ये लग रहा है कहीं ना कहीं ये गीता का ज्ञान जो है ये शायद परंपरा से छीन हो गई है, और इसका ज्ञान जिस तरह मैंने भी विवस्वान को बताया था, अब लग रहा है वो उस तरह नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, तो भगवान को इसलिए लगा कि ये दोबारा ज्ञान बताने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका ज्ञान जो उन्होंने विवस्वान को दिया था, कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो गया है। ठीक है, वो डाइल्यूट क्यों होता है, क्योंकि जब ज्ञान परंपरा के द्वारा आता है और कहीं ना कहीं लोग अपने तरीके से गीता का विवरण करने लग जाते हैं, तो उसका डाइल्यूशन हो जाता है। अब इसको और किस तरह से समझ सकते हैं, देखिए आपका शहर है, आपका शहर में कई शहरों में क्या होता है, पूर्व बहुत पुरानी पुरानी मिठाइयों की दुकान होती है, या किसी भी चीज की दुकान बहुत पुरानी होती है, सिंस वहां लिखा रहता है, सिंस 1920, सिंस 1910, सिंस कोई कई कई दुकानें तो 100 100 साल पुरानी है। अगर दिल्ली के कई दुकान चले जाएं आप चांदनी चौक में, तो 100 100 साल पुरानी है, मतलब कितने जनरेशन उनको वो उस बिजनेस पे है। तो ऐसे कई पुराने शहर हैं, कलकत्ता में ऐसे है कई जगह हैं जो 100 100 साल, 100 150 100 साल पुरानी मिठाइयों की दुकान है। तो इन ये क्या 150 साल, जब वो लिखते हैं कि ये 150 साल पुरानी मिठाई की दुकान है, तो 150 साल लिखने का उनका क्या कारण होता है, उनका कारण ये होता है कि वो ये बताना चाहते हैं कि 150 साल पहले जिस तरह की मिठाई बनती थी, आज भी वो मिठाई उसी तरह की है। ठीक है, और ये जो 150 वर्ष में इतनी जनरेशन जब क्रॉस हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मिठाई की क्वालिटी को कुछ नहीं चेंज करा। तो 150 वर्ष पहले अगर उस मिठाई का जिस तरह का स्वाद था, आज भी उसी तरह का है, या जो भी चीज का स्वाद था वो आज भी उसी तरह का है। ठीक उसी तरह भगवान बता रहे हैं कि गीता का ज्ञान हमें उस तरह से ही लेना चाहिए जिस तरह से मैंने इसको बताया है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि भगवान गीता को ज्ञान लेने की को एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, एक बोनोफाइड इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम गीता का कोई भी किताब उठा लेते हैं, परंतु अगर हम भौतिक विज्ञान, भौतिक कोई भी मटेरियल एजुकेशन लेने जाते हैं, कहीं मान लीजिए कोई बीएससी की डिग्री लेने जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेने जा रहा है, कोई मेडिकल की डिग्री लेने जा रहा है, कोई लॉ की डिग्री लेने जा रहा है, अगर ये डिग्री लेने जा रहा है, तो कोई ना कोई संस्था ऐसी होती है जो इसको मान्यता देती है। ऐसा ऐसा हम ऐसी जगह से हम डिग्री नहीं लेते, मान लीजिए बिल्डिंग खड़ा हमने कर दिया है और उसमें लिख दिया है यहाँ बीटेक की डिग्री दी जाती है, हो सकता है पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हों, किताबें वही पढ़ाई जाती हैं, परंतु क्या हम कोई भी ऐसा जगह में डिग्री लेने जाता है, नहीं। क्यों नहीं लेने जाता है, क्योंकि वो बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन
भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक उसी तरह भगवान हमें इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं इस पूरे गीता को, ज्ञान को, कि किस तरह लेना है। सिर्फ और सिर्फ वही लेना है जहां पर मैंने बोला है और वो परंपरा विधि में आ रहा है। ठीक है, तो इन परम ये कौन कौन से परंपरा है ये हम अब देखते हैं। ठीक है, तो भगवान ने ये ज्ञान चार लोगों को बोला, ब्रह्मा जी को बोला, लक्ष्मी जी को बोला, भगवान शिव को बोला, और चार कुमारी, ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं। ठीक है, तो इनको इन्होंने ये ज्ञान दिया। ठीक है, अब ये जो चार लोग हैं ये बोनाफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं। मतलब अगर गीता का ज्ञान हमें कहीं भी प्राप्त करना है तो इन आप उनसे जरूर ये पूछिए किस आप कहाँ किस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं। क्या ये आप चारों इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं क्या? ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो हमारे देश में तो ऐसे कई गीता हैं जो कहीं हम हो सकता है वो बहुत बड़े राजनीतिक रहे हों, परंतु वो गीता का कोई मान्य नहीं है, भगवान कहते हैं, जब तक वो परंपरा विधि से नहीं आती है। ठीक है, तो ये चार लोगों हैं जिसको भगवान ने ज्ञान जिनको भगवान ने ज्ञान दिया, और इन चार लोगों के जो परंपरा है उनके अग्रणी गुरु जो हैं वो है जैसे ब्रह्मा जी के हैं माध्वाचार्य, लक्ष्मी जी के हैं रामानुजाचार्य, भगवान शिव के हैं विष्णु स्वामी, और चार कुमार के हैं निम्बरकाचार्य। तो ये जो चार लोग हैं ये अग्रणी गुरु हैं। इन्होंने जिसको फ्लैग बियरर कहा जाता है ना, ये इन्होंने फ्लैग बियरिंग किया है, ये इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम इन गुरुओं के माध्यम से हुआ है। अब आपका मन में ये आ रहा होगा कि हम कहाँ आते हैं, तो हम सबसे पहले में आते हैं ब्रह्मा जी माध्वाचार्य। ठीक है, परंतु हम में थोड़ा सा बदलाव है, तो ये हमारी परंपरा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव को, और ये परंपरा चली आते 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 22वें में दोबारा भगवान ने इसको, भगवान चैतन्य आए, और देखिए भगवान स्वयं आते हैं, और भगवान क्या कहते हैं तीसरे अध्याय में, कल हमने क्या पढ़ा था, यत्यता चरिति श्रेष्ठे तत्त देवे तरो जना। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने भी अपने गुरु को संदीपन मुनि से शिक्षा प्राप्त की, भगवान राम ने प्राप्त की, और लॉर्ड जो भगवान कलयुग में चैतन्य के भगवान चैतन्य आए कृष्ण, उन्होंने उनके भी गुरु थे। कौन थे? 21वें जो गुरु थे वो भगवान चैतन्य के गुरु थे, ईश्वरपुरी। तो गुरु जो है आज गुरु के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत उसके उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैतन्य महाप्रभु 22वें गुरु हैं, और जिनकी गीता को हम पढ़ रहे हैं स्वामी प्रभुपाद, वो 32वें गुरु हैं। तो हम इस परंपरा को क्या कहते हैं? हम इस परंपरा को कहते हैं ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भगवान चैतन्य ने इसमें कुछ संशोधन किए। ठीक है, तीनों परंपरा से कुछ अच्छी अच्छी चीजें पॉइंट्स ऐड करें, और मुख्यतः हम ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय से आते हैं। ठीक है, अब कुछ गणित है, और इन गणित को समझना बहुत ही आसान है, आप नंबर पे मत जाइएगा। ठीक है, इन बस पेन और कागज ले लीजिए, और आपको पीडीएफ मिलेगा, इस पीडीएफ में पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे आसान है? बस नीचे वाले नंबर्स को याद रखना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? कि हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि जो युग है, चार युग होते हैं। ठीक है, कलयुग जिसमें हम हैं, इससे पहले का युग जिसमें महाभारत रचित हुआ उसको कहते हैं द्वापर, उससे पहले के युग त्रेता युग, और त्रेता से सबसे सर्वप्रथम जहां से युग शुरू होता है उसे कहते हैं सत्ययुग। ठीक है, तो कलयुग का नंबर जो है, अभी हम ब्रह्मा जी का उम्र या कैलकुलेट करने वाले हैं, विवस्वान भगवान विश्व विवस्वान ने कब ये ज्ञान भगवान ने विवस्वान को कब ये ज्ञान दिया वो साल कैलकुलेट करने वाले हैं, और तीसरा क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, तो थर्ड चार पात्र कौन कौन है,
तीन पात्र कौन कौन हैं जिनके आप शेयर कीजिए, चैट में डालिए, हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था। तीन पात्र कौन हैं जो गीता लेके, और सब तीन 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 पात्र कौन कौन हैं जो गीता का ज्ञान इस धरातल पर लेके आए, ठीक है, पहल वो बताइए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इनके बीच का कुछ गणित कैलकुलेट करना है। चैट में डालिए वो तीन पात्र कौन कौन है, विवस्वान, मनु और इक्ष्वाकु। सुमिता कामत माता जी हरि बोल। प्रीति गौतम, विवस्वान सूर्यदेव, मनु और इक्ष्वाकु। अनुराग मांगिया प्रभु हरि बोल प्रभु। वंदना माता जी कह रहे हैं विवस्वान, विदसान, विवस्वान है मन, शायद आज स्पेलिंग मिस्टेक हुआ माता जी। विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु, हरि बोल माता। बिल्कुल बिल्कुल, पूनम माता जी कह रही हैं, मोना माता जी कह रही हैं, विवस्वान, मनु और इक्ष्वाकु। ठीक है, इसको ही रोकते हैं। तो इक्ष्वाकु जो थे वो रघुकुल के थे पूर्वज, उनके द्वारा पृथ्वी पे आया। तो पृथ्वी पे गीता कब आई उसका कैलकुलेशन करेंगे, तीन कैलकुलेशन करेंगे। पहला, ब्रह्मा जी की उम्र, तो आप भी सरप्राइज हो रहेंगे, ब्रह्मा जी की भी उम्र होती है क्या, तो वो हम आज उम्र कैलकुलेट करेंगे। और आठवें अध्याय जब पहुंचेंगे तो उनका भगवान उम्र को बताते हैं, इनका उम्र क्यों है। तो पहला ब्रह्मा जी की उम्र कैलकुलेट करेंगे, दूसरा क्या कैलकुलेट करेंगे, दूसरा हम ये कैलकुलेट करेंगे कि गीता का ज्ञान विवस्वान को भगवान ने कब दिया, और तीसरा इक्ष्वाकु को कब गया, ताकि इक्ष्वाकु ने पृथ्वी पे ये ज्ञान कब लेके आए। सबसे पहला कलयुग का नंबर याद रखिए, कलयुग का नंबर है, कलयुग का पूरा साल होता है 4,32,000 का कलयुग का एज है, ठीक है। हम अभी 5,117 साल में हैं, अभी ये जिस है वो 5,117 ईयर्स, पूरा है 4,32,000। ये नंबर बस याद रखिए, बाकी सारा नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, कलयुग को दो गुना कीजिएगा तो उस द्वापर आ जाता है, कलयुग को तीन गुना कीजिएगा तो उसका त्रेता का एज आ जाता है, और कलयुग को चार गुना कीजिएगा तो सतयुग आ जाता है। कलयुग 4,32,000, इसको गुना दो कीजिए द्वापर जिसमें महाभारत रचित हुआ। इसके बाद कलयुग को तीन गुना कीजिएगा तो त्रेता आ जाएगा, और कलयुग को चार गुना कीजिएगा तो सतयुग आ जाएगा, ठीक है। इन चारों को जोड़ दीजिएगा तो एक दिव्ययुग आता है, करीबन 43,20,000 का एक दिव्ययुग आएगा, ठीक है। इनको जोड़िएगा 43,000, 43,20,000 का एक दिव्ययुग आएगा। एक दिव्ययुग को 1,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,000 दिव्ययुग, सिंपल है। 1,000 दिव्ययुग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतना ही रात होता है, 12 घंटा, 12 घंटा, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। पर इस कैलकुलेशन को और बड़ा, अगर ब्रह्मा जी का उम्र का आपको याद रखना है तो इसको बस ध्यान रखिए, 1,000 दिव्ययुग, कलयुग 4,32,000, द्वापर गुना दो, त्रेता गुना तीन, सतयुग गुना चार, ठीक है। इसका एक दिव्ययुग, दिव्ययुग 1,000 दिव्ययुग का ब्रह्मा जी का 12 घंटा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं ताकि हमें कुछ कुछ चीजें और समझ में आए। मनवंतर, मनवंतर क्या होता है, मनवंतर होता है 14, 71 दिव्ययुग का, 71 दिव्ययुग। सोचिए इतना बड़ा नंबर हम अपने मटेरियल गणित में कभी भी नहीं लेके आते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गणित बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, क्योंकि हमारा उम्र ही बहुत छोटा है इसलिए नंबर बहुत बड़े हैं। 71 दिव्ययुग, ठीक है। एक दिव्ययुग का कितना उम्र होता है, 43,43,43,43,43,20,000 साल। इसको 71 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मनवंतर आता है, यानी एक मनु युग, एक मनु इतना जीवन काल रहता है मनु युग का, एक मनु का, ठीक है। तो अभी सातवां मनवंतर चल रहा है, 6 मनवंतर समाप्त हो चुका है, सातवां मनवंतर चल रहा है, ठीक है। और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, ठीक है। तो 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, और एक कल्प यानी कि 12 घंटे ब्रह्मा जी का है। उसको दूसरे से दूसरी तरफ कैसे याद कर सकते हैं, 1,000 दिव्ययुग, ठीक है, इसको इस तरह से याद कीजिए।
ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ कठिन नहीं है, आराम से देखिएगा सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इससे हम क्या निकालते हैं, 1000 दिव्यूग का कैलकुलेशन से निकालते हैं ब्रह्मा जी का उम्र। ब्रह्मा जी का कुल उम्र है 311 ट्रिलियन ईयर्स। ठीक है, 311 ट्रिलियन ईयर्स है। ब्रह्मा जी अभी 50 साल जी चुके हैं, 50 साल और बाकी है। ठीक है, तो 14 मन्वंतर, जैसे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, 14 मन्वंतर का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ठीक है, 14 मन्वंतर का, तो अभी 7 मन्वंतर गुजर चुके हैं, यानी 50% ब्रह्मा जी जी चुके हैं, 50 साल जी चुके हैं, 50 साल और बाकी है, 155, फिर प्रलय आ जाएगा। 155 ट्रिलियन ईयर्स जी चुके हैं, 155 ट्रिलियन ईयर बाकी है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट, ब्रह्म एक चीज, एक कैलकुलेशन हो गया हमारा, 155 साल, टोटल ब्रह्मा जी का उम्र कितना है, 311 ट्रिलियन ईयर्स, जिसमें 50 साल, 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं, 50 उन्होंने जी लिया है। ठीक है, तो मनु कब आए थे, जैसे मैंने आपको क्या बताया, मनु कब आए थे, ये रघुवंश कुल के पूर्वज थे। रघुवंश कुल किसमें हुआ था, रामायण किसमें रचा गया था, तो रामायण रचा गया था त्रेता युग में। तो त्रेता युग का उम्र निकाल लीजिए, 432 गुने मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कैलकुलेशन करिएगा, तो करीबन हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो करीबन कितने आया, कितना आता है, 12 करोड़ साल पहले भगवान ने ये ज्ञान विवस्वान को दिया था। ठीक है, इस कैलकुलेशन को देख लीजिए, कैलकुलेशन बहुत ही, आप समझ जाएंगे आराम से। ठीक है, धरती पे कब आई, धरती पे लाने की जिम्मेदारी किसका था, विवस्वान ने किनको दिया, मनु को दिया, मनु ने किनको दिया, इश्वाकु, इश्वाकु धरती पे लेके आया था। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कैसे निकलेगा, ये कैलकुलेशन निकलेगा, कलयुग प्लस टोटल द्वापर युग प्लस त्रेता को कर दीजिए, त्रेता का शुरू में ये लेकर के आए थे, त्रेता के शुरू में इश्वाकु थे, तो करीबन 20 लाख साल पहले, ये कैलकुलेशन जब कीजिएगा, करीबन 20 लाख साल पहले गीता पृथ्वी पर आई। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल कैलकुलेशन है, वो आप याद कर सकते हैं। ब्रह्मा जी का 1 सेकंड जो है होता है हमारा 1 लाख साल है। ठीक है, तो ये सब कुछ गणित है, गणित आप देख लीजिएगा। अब बहुत जो चार बहुत मुख्य बिंदु आने वाला है, अर्जुन हमारे, क्योंकि एक रिपोर्टर होता है ना, अर्जुन रिपोर्टर का काम कर रहे हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब रिपोर्टर जब प्रश्न करता है किसी से, तो वो रिपोर्टर को अपना प्रश्न नहीं करता है, रिपोर्टर क्या करता है, सारी जनता का प्रश्न कर रहा है। तो अर्जुन जो है अब सारी जनता की ओर से भगवान को प्रश्न कर रहे हैं, अरे आपने 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था, लेकिन आप तो मेरे समकालीन दिख रहे हैं, वो कैसे हो गए, आप तो मेरे सामने खड़े दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न किया भगवान ने अर्जुन ने, आप मेरे समकालीन कैसे हैं, भगवान अपने अवतरण कैसे होता है वो अब बता रहे हैं। अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामी दृष्टाया संभवाम्य आत्मया, यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य है, भगवान प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते इस जन्म, भगवान सामान्य जीव के भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते इस जन्म में, बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, और अपितु यह वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। भगवान किंतु भगवान ऐसा नहीं करते, जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने इसी आदि आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं, यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो ऐसा लगता है कि सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति छिड़ नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था
प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। भगवान ने ये प्रश्न अर्जुन क्या बोले, आप मेरे समकालीन कैसे हैं, आप यहाँ अभी कैसे खड़े हैं, आप तो 12 करोड़ साल पहले हैं। भगवान ने कितना अच्छे से समझाया कि जीव का जन्म होता है, मेरा जन्म क्या है, दिव्य है, मेरा जन्म क्या अव्यय है, अव्यय का क्या मतलब है, शाश्वत है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के शरीर में न ही नस है न ही हड्डियां हैं। अश्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम, ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, भगवान के शरीर में न नस है, अश्नावीरम न ही हड्डियां हैं, कुछ नहीं है। भगवान का शरीर, आत्मा और शरीर में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान जो 12 करोड़ साल पहले थे, आज भी वही शरीर में है भगवान, ठीक है। और भगवान को वो स्मरण रहता है, परंतु जीव क्या रहता है, हर जन्म में अलग अलग शरीर धारण करता है। तो उन्होंने अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि हो सकता है तुम भी मेरे साथ उस समय रहे होगे 12 करोड़ वर्ष पहले, परंतु तुम्हारा शरीर हो सकता है कुछ और रहा हो, और तुमको तुम में और मेरे में ही फर्क है कि जब भी तुम शरीर बदलते हो, तुम उस शरीर का कोई तुमको स्मरण नहीं रहता है, लेकिन मेरा मेरा तो जन्म नहीं होता है, ठीक है, मेरा प्राकट्य होता है। तो मेरा शरीर उस समय भी वही था और आज भी यही है। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर चीज से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपने कभी भी भगवान का वयोवृद्ध तस्वीर नहीं देखा, भगवान हमेशा यौवन रहते हैं, 25 साल के रहते हैं, नव यौवनम च, ठीक है, ब्रह्मा जी कहते हैं न, भगवान हमेशा नव यौवन रहते हैं, और सबसे आदि पुरुष हैं, ठीक है, भगवान सभी कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, हमारे पिता के कारण है उनके पिता, उनके पिता के कारण है उनके पिता, उनके पिता के कारण है उनके पिता, और ये जो पिता का श्रृंखला जहां जाकर के समाप्त होता है वो है भगवान। तो भगवान क्या है, आदि पुरुष है, फिर भी वो हमेशा क्या लगते हैं, हमेशा नव यौवन रहते हैं, हमेशा 25 वर्ष के लगते हैं, ठीक है। कब होता है भगवान आते कब हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूं। तो भगवान का अवतार कब होता है, जब अधर्म की प्रधानता, धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, चाहे किसी भी युग में ले लीजिए, चाहे वो सतयुग में नरसिंह देव का प्राकट्य हो, जब एक पिता अपने पुत्र के ही के जान के दुश्मनी बन जाते हैं, ठीक है, हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के जान के पीछे लग जाते हैं और सारी सारा सारा तरह की हथगंडे अपनाते हैं उनका जीवन लेने के लिए, उनको मारने के लिए, तो भगवान नरसिंह का प्राकट्य होता है, या रावण का आप देख लें तो रावण भगवान राम का प्राकट्य होता है, धर्म धर्म की प्रधानता, धर्म दब का पतन होने लगता है, या फिर भगवान कृष्ण को देख लीजिए, उनका प्राकट्य कब होता है, जब धर्म की पतन होता है और अधर्म बढ़ने लग जाता है। क्यों होता है, परित्राणाय साधूनां विनाशचाय च दुष्कृतां धनसर धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं यह हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको लगता है, हमें कभी कभी लगता है कि भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं, दुष्टों का विनाश भगवान का प्राथमिक कार्य नहीं है, गौण कार्य है, सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। तो पहला वो क्या कहते हैं, देखिए पहला श्लोक में क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनां, भगवान हमेशा साधुओं, साधु कौन कहते हैं, साधु किसे कहते हैं, जो भगवान की भक्ति करता है उसे साधु कहते हैं। तो भगवान पहले साधुओं की सुरक्षा करने के लिए आते हैं, ठीक है, देवकी और वासुदेव की सुरक्षा करने के लिए उनका प्राकट्य हुआ, और कंस को मारना गौण कार्य था, सेकेंडरी फंक्शन था, ठीक है। नरसिंह देव अपने अपने भक्त प्रहलाद से मिलने पहले आए, गौण कार्य था हिरण्यकश्यपु को वध करना, लगे हाथ मार देते हैं, मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, भगवान अपने
अधिकृत देवताओं के द्वारा भी ये कार्य करवा सकते हैं। लेकिन भगवान का मुख्य प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को सुरक्षा देने, उनको प्रेम प्रदान करने के लिए आते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी फंक्शन है। अगर हमने जान लिया ये भगवान का क्या चीजें, हम जान लिए भगवान का अवतार कैसे होता है, भगवान अव्य है, अजो अपि सन अव्य आत्मा। अर्जुन पूछते हैं ना कि कब आप मेरे समकालीन खड़े हैं, तो भगवान ने क्या बताया, अजो अपि सन अव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन। मेरा जन्म अव्य है, शाश्वत है, ठीक है, मैं उस समय भी था। दूसरा क्या भगवान ने बताया कि मैं कब आता हूं, जब धर्म का पतन हो जाता है और अधर्म की प्रधानता बढ़ जाती है। ठीक है, मेरा आने का कारण क्या है, मेरा आने का कारण है परित्राणाय साधु नाम, मैं साधुओं की सुरक्षा करने आता हूँ। विनाश चाय चय दुष्कृतम, सेकेंडरी काम है विनाशों असुरों को बध करने के लिए आता हूँ। और चौथा है, जो ये समझ गए कि भगवान अव्य हैं, भगवान क्यों आते हैं, भगवान आने का क्या कारण है, उससे अगर हमें जानने का क्या लाभ है, उससे जानने का लाभ है जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः तक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामिते सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, पितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि हम भगवान की दिव्यता को समझ गए हैं ना, हम भगवान का भगवान हम समझ गए हैं कि भगवान क्या है। अब भगवान ईश्वर है, ठीक है, जो अव्य हैं, जिनका शरीर अविनाशी है, ठीक है, शाश्वत है, और उनका आने के कारण भक्त हैं, तो यानी कि इन भक्तों से मिलना है उनका आने का कारण। तो यानी अगर ये हम जान जाते हैं तो क्या है, ये जानने से हम अपना स्वरूप पहचान लेते हैं कि हम क्या है और हमारे दाता कौन है। ठीक है, तो हमारा पहचान हो जाता है, हम मिथ्या अहंकार से दूर उड़ जाते हैं, हम अपनी स्वरूप पहचान लेते हैं कि भगवान हमारे ईश्वर है। अगर ये हम जान लिए तो फिर क्या हो गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम दोबारा, ये आदि शंकराचार्य बहुत अच्छा बताते हैं कि हम बार बार जन्म बार बार मरण के चक्कर से दूर चले जाते हैं। ठीक है, वही भगवान समझा रहे हैं। तो कृष्ण और हमारे बीच का अंतर क्या है, अभी अर्जुन को भगवान ने समझाया, अजो अपि सन अव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई है, हम हर बार एक नया शरीर धारण करते हैं, एक जीवन अंत होता है हमारा तो हम नया शरीर धारण करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं 1 सेकंड में मैं आया। कृष्ण, तो कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई, हम माया द्वारा नियंत्रित हैं, कृष्ण है माया के नियंत्रण। ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेट होते हैं, और कृष्ण कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है, हम नियंत्रण, हम भगवान के दास हैं, और भगवान क्या है, हमारे मालिक हैं। ठीक है, और कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, भगवान ने अभी समझाया ना कि मेरा क्या है, अजो अपि सन अव्य आत्मा, मेरा कभी जन्म नहीं होता, प्राकट्य होता है। ठीक है, तो मेरा स्वरूप आध्यात्मिक है, और जीव का क्या है, हर बार शरीर बदलता है। ठीक है, तो ये कृष्ण और हमारे बीच का अंतर है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तते भजामहे हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। ये श्लोक के माध्यम से हमें भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जो मेरे से जिस तरह का स्वभाव प्रकट करता है, मैं उसको उसी तरह से आदान प्रदान करता हूँ। कहने का क्या मतलब है कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। रूपा जी हमें क्या समझाते हैं, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों का समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो भगवान के साथ जिस तरह का
प्रेम भक्त करते हैं भगवान उसके उनसे उसी तरह से आदान प्रदान करते हैं। मैया यशोदा मैया के साथ माता ने उसी तरह से आदान प्रदान किया जैसा माता उनसे प्रेम करना चाहती थी एक पुत्र के रूप में। ठीक है, तो भगवान ने अपने ब्रह्मांड अपना जब मिट्टी खा लिए थे तो माता ने बोला मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो, जब मुंह खोले तो सारा ब्रह्मांड दिख लिया था। लेकिन भगवान तो क्या करते हैं, भगवान हमें स्मृति भी देते हैं और विस्मृति भी देते हैं। ठीक है, जब हम 15-15 में पहुंचेंगे, 15वें अध्याय के 15 श्लोक में, तो भगवान बताएंगे कि हमें याद करने की शक्ति भी भगवान देते हैं और भूलने की शक्ति भी भगवान देते हैं। तो जो मैया यशोदा मैया जब मिट्टी खा लिए उन्होंने लल्ला का, जब लल्ला ने मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिख गया, लेकिन भगवान ने क्या किया, विस्मृति कर दिया माता को। तो माता अगर, क्योंकि माता अगर जान लेती कि उनका जो जो भगवान है, जो उनके लल्ला है, उनके पुत्र हैं, वो क्या भगवान है, तो वो फिर वो उस तरह का पुत्र का प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो पाता। तो भगवान के साथ जैसा आदान प्रदान करते हैं भगवान उनको उसी तरह से प्रेम करते हैं, चाहे वो यशोदा माँ हो या उनके बाल सखा हो, जितने सखा हैं उनके, या फिर कंस हो। जब कंस को मारने के लिए गए थे तो वहां पे कुछ लोग भगवान को प्रेमी के रूप में चाह रहे थे, कुन उनके सखा के रूप में, लेकिन कंस क्या, कंस भगवान को यमराज के रूप में देख रहा था और भगवान ने उनको उसी रूप में अपना स्वरूप दिखाया। ठीक है, तो जिस रूप में भगवान से हम प्रेम करते हैं, भक्त एक प्रेम करता है, भगवान उसके साथ उसी तरह से आदान प्रदान करते हैं। इस संसार में देवता के बारे में हमने कल देवताओं के बारे में कल पठन किया था, तो एक प्रश्न पहला दिन आया था या दूसरा दिन आया था कि देवता और भगवान के बीच में क्या अंतर है। तो भगवान करीबन 3 या 4 अध्याय में इसके बारे में बहुत बहुत डिटेल में बताते हैं। इसमें एक बार थोड़ा सा और भी हम पढ़ लेते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह संसार में मनुष्यों का सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दम करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर का विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के भिन्न रूप नहीं होते हैं, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्णा अनाथ, ईश्वर परम कृष्णा, भगवान एक ही है। ठीक है, और एकले ईश्वर कृष्णा रसभृत्य। ठीक है, भगवान बताते हैं कि बस सिर्फ कृष्ण ही भगवान है, बाकी जितने देवता हैं उनके अंश हैं। ठीक है, शरीर के हमारे अंश होते हैं ना। ठीक है, हाथ है, कोई पैर है, कोई सर है, तो देवता अंश हैं भगवान के, भगवान एक हैं। ये हमारी भ्रांत धारणा है कि बहुत लोग प्रभुपाद जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देवताओं को ही भगवान मान लेते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है यहाँ पे, और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये जो समाज है, इन समाज को भगवान ने 4 विभागों में भाग किया है। ठीक है, तो हमारा मन में आने लग जाता है हाँ, इसी कारण से आज जातिवाद है। तो भगवान इसको क्लैरिफाई करते हैं, अगर हम इस श्लोक को समझ गए हैं तो ये हमारे मन से ये सारा दंभ निकल जाएगा कि ये जातिवाद को मनुष्य लेके आया, भगवान ने क्या किया है वो देख सुनिए। चातुर्वर्णीय में आशिष्टम गुणा कर्म विभागशः तस्यम कर्तारम्भिमाम विद्य कर्तारम्भयम्। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज द्वारा 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्याख्या का शिष्टा हूँ किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अकर्ता हूँ। भगवान ने ये पूरे समाज को 4 वर्ण और 4 आश्रम में विभाजित किया। ये वर्ण क्या होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है, जिसके जिसके जैसा गुण है। ठीक है, सबका अपना गुण है। ब्राह्मण का क्या गुण था, ब्राह्मण का गुण था पूरे समाज को भगवान से जोड़ना शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्र का पढ़ाना
भगवान से जोड़ना, क्षत्रिय का क्या रोल था, कर्तव्य था, ये गुण के आधार पे भगवान क्या कह रहे हैं, गुणे कर्म विभागशा, जन्मे कर्म विभागशा नहीं लिखे हैं, गुणे कर्म विभागशा। हमने क्या समझ लिया, हमने इस जाति को जन्मे कर्म विभागशा समझ लिया कि जो ब्राह्मण का पुत्र है वो ब्राह्मण होगा। भगवान कह रहे हैं गुणे कर्म विभागशा, गुण के आधार पर, ठीक है। डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर नहीं हो सकता जब तक वो डॉक्टर पास नहीं करे, इंजीनियर का पुत्र इंजीनियर नहीं हो सकता जब तक इंजीनियरिंग पास नहीं कर सके। ठीक उसी तरह ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं हो सकता जब तक उसमें ब्रह्म ब्रह्म का तत्व, ब्राह्मण का क्या मतलब है, ब्राह्मण का मतलब है जिसे ब्रह्म का तत्व का ज्ञान है। ये ब्रह्म कौन है, भगवान का तत्व का ज्ञान है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है। तो जब तक ये गुण नहीं है उसे ब्राह्मण ही कह सकते। क्षत्रिय का क्या रोल था, 18वें अध्याय में हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे इसका। क्षत्रिय का था कि पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करना। वैश्य का क्या, वैश्यकत का उत्पादन करना, हर तरह के या दूध हो किसी तरह उत्पादन करके पूरे समाज को उत्पादन से उसको समाज तक पहुंचाना। वैश्य शूद्र का क्या था कि अपने मेहनत से सबको पूरे समाज को सेवा देना। तो सबका अपना अपना कार्य था, ठीक है। और आश्रम क्या होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है। तो भगवान ने ये गुणों के आधार पर विभाजित किया था, परंतु भगवान इससे परे हैं, ठीक है। तो यानी कि कंपनी का एक मालिक है, वो कानून बनाता है पर कंपनी का कानून मालिक पे लागू नहीं होता। तो भगवान इन चारों विभाग से परे हैं, इसलिए कह रहे हैं विद्य कर्तारम अव्यय, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। ठीक है, वो इस श्लोक में दोबारा भगवान क्लियर कर रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्प्रिया इति, माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न सपद्यते, मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। तो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी कर्मों के पास में नहीं बनता। तो भगवान इसको विभाजित करते हैं परंतु भगवान इससे परे हैं। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि जिन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए तुम हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम प्रोपा जी समझा रहे, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मन दूषित होते हैं, दूषित विचार भरे, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों को पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग आदर्श कार्य का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके, ठीक है। तो भगवान क्या हमें समझा रहे हैं, वही समझा रहे हैं जो उन्होंने कल बताया था, यत यत आचरिति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जन सयात प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान कह रहे हैं कि मुझे देख करके लोग सीखे हैं, ठीक है, तो अर्जुन को इसके माध्यम से कह रहे हैं भगवान कि तुम भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो। तो हमने कल भी इसको देखा था, आज भी पढ़ लेते हैं। तीन तरह के कर्म मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से कर्म होते हैं। पहले सकाम कर्म होता है, विकर्म होता है और अकर्म होता है। इसको और दोबारा पढ़ते हैं, कर्मणो हि अपि बोधव्यम् बोधव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गति। कर्मों की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, ठीक है। ये तीन चीज आपको अच्छे से जानना है, ठीक है। कर्म क्या है, जब पहला चित्र के माध्यम, चित्र जब तक पिक्चर्स हम देखते हैं ना, तो पिक्चर से कुछ चीज को हमको याद करने का प्रयास करना चाहिए। कि कभी कभी क्या होता है कि हम सेंटेंस पे हमारा ध्यान नहीं होता है। तो जैसे कल एक श्लोक था, तो कौन सा श्लोक, मिथ्याचार से उच्यते, वो कितना प्रभावशाली चित्र था जिसके माध्यम से हम ये हमेशा स्मरण रहेगा हमें को हम कि कर्म संन्यास और कर्म योग में क्या डिफरेंस है। भगवान ने बताया था कि एक धूम्रपान करता हुआ साधु का व्यक्ति, कितना प्रभावशाली वो स्लाइड था जो ये हमें बिल्कुल याद करवा देता है कि
कि कर्म संन्यास को हम जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो नहीं लेना है, नहीं तो फिर वो धूम्रपान वाला साधु बन जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह ये जो पिक्चर्स हैं बहुत प्रभावशाली हैं। इसको देखिए, पहला चित्र में क्या है, कर्म है। कर्म क्या, किसको कहते हैं, जो जो भी कर्तव्य हम अपने गुणों के अनुसार, अपने अपने कर्तव्य के अनुसार जो करते हैं शास्त्रों के अनुसार, उसे कर्म कहा जाता है। जैसे ये व्यक्ति अपना कोई कार्य महान छोटा नहीं, महान या छोटा नहीं हो सकता, अगर वो कर्तव्य से अपना कर्तव्य द्वारा कर रहा है तो ठीक है, चाहे वो घड़ा बना रहा हो चाहे कुछ कर रहा है। लेकिन वही विकर्म क्या होता है, विकर्म का मतलब होता है शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत। पार्किंग में नहीं लगाना है गाड़ी, फिर भी पार्किंग में लगा दी, इसको क्या कहते हैं, विकर्म। कितना प्रभावशाली चित्र है, देखिए इसको हमेशा याद रह जाएगा हमारा, विकर्म क्या होता है। और अकर्म क्या है, वो काम जो हमें भगवान से जोड़ता है, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान से प्रेम हो जाता है तो हम भगवान के लिए कार्य करने लग जाते हैं, भगवान के लिए भोजन बनाने लग जाते हैं, भगवान के अर्च विग्रह को साफ करते हैं, अपने मंदिर, अपने घर के मंदिर को साफ करते हैं, वो भोजन अर्पित करते हैं, उनको सजाते हैं, उनके फूल अर्पित करते हैं। ठीक है, और जब भी शाम होने लग जाता है तो क्या होता है, हमारे मन में ललक हो जाता है कि हम जल्दी पहुंच जाएं और माँ भगवान की आरती कर लें। तो ये क्या है, यह होता है जब प्रेम हमारा विकसित होने लगता है तो भगवान के लिए जो कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है, अकर्म। ठीक है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी, टाइम आज बहुत हो गया, फिर भी बता देता हूँ आपको। प्रभुपाद जी, एक बार कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न आता है ना, कि शुरू शुरू में जब सुना था मैं तो बड़ा बहुत ही विचलित मन हो जाता था कि कैसे कर्म को भगवान से कैसे जोड़, सारे कर्म को भगवान से कैसे जोड़ा जा सकता है। वैसे आज भी विचलित रहता हूँ, कई कर्म को नहीं जोड़ पाते हैं। तो प्रभुपाद जी, देखिए एक बार क्या हुआ कि उनका प्रवचन था, प्रवचन के बाद कई मायावादी लोग, विदेश में तो मायावादी लोग बहुत थे, भरे थे। ठीक है, तो जहाँ पे वो प्रवचन दे रहे थे तो मायावादी लोग क्या कर रहे थे, पैम्पलेट बांट रहे थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को भी दे दिया, प्रभुपाद जी ने सारे के सारे पैम्पलेट ले लिया। बोले तो उनके जो शिष्य थे वो बैठे हुए बोल रहे, अरे ये प्रभुपाद जी ये पैम्पलेट क्यों ले लिए मायावादियों का। तो प्रभुपाद जी ने सारा पैम्पलेट बांट दिया और बांटने के बाद बोला, जाओ इसमें से मुरमुरा लेकर के और सभी लोग मुरमुरे इसमें खाओ। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि एक साधु व्यक्ति, प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं कि एक किसी भी चीज को भगवान के लिए कैसे उपयोग करना है। जैसे उस पैम्पलेट को प्रसाद खाने के लिए, मुरमुरा जो प्रसाद था भगवान का, उसको खाने के लिए प्रभुपाद जी ने लगाया। ठीक है, तो अपने कर्म फलों की सारी आसक्तियों को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर व सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। तो ये क्या है, अकर्म, यानी भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है स्वार्थ के लिए नहीं। जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवी भी आध्यात्मिक होता है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि कृष्ण भावनामृत कहते हैं किसको है, और कृष्ण भावनामृत किया कैसे जाता है। क्या हम प्रभुपाद जी ने सबसे अलग रह करके इस पूरे इंस्टीट्यूशन को इस्टैब्लिश किया, नहीं, किसके बीच इस्टैब्लिश किया, एक हिप्पियों के बीच में रह करके इस्टैब्लिश किया, जो सबसे घृणित कार्य करते थे इस पूरे विश्व में। अगर कहीं अगर क्योंकि साधु को प्रभुपाद जी को ये मालूम था, प्रभुपाद जी जानते थे कि उनका जो वो इनसे परे थे, उन जब वो जा रहे थे अमेरिका तो उनके गुरु भाई ने बहुत समझाया उनको कि तुम कैसे प्रवचन दोगे, वो तो कुछ भाषा ही नहीं तुम्हारी समझेंगे। ठीक है, तुम्हें तो उनकी संस्कृति अपनानी पड़ेगी। प्रभुपाद जी ने उनको बताया, मैं उनकी संस्कृति ने बताने जा रहा हूँ, मैं कृष्ण के बारे में उनको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और उन्होंने वही किया, उनके बीच में रह करके ही कृष्ण भावनामृत इस्टैब्लिश किया भगव। और प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण अपने तात्पर्य, अपने परपट में देते हैं। क्या बताते हैं कि
देखिए, हमें कहीं कुछ अलग रह करके नहीं, शहर के बीच में या सभी के बीच में रह करके भगवान का इस मिशन को, इस पूरे आंदोलन को अंजाम देना है। कैसे? ठीक उसी तरह मान लीजिए दूध है, दूध हमारा पेट, कई लोगों का, रोगियों का पेट खराब करता है, बस किंतु उसी दूध से दही भी बनता है जो पेट ठीक भी करता है। तो हमें कहीं कुछ अलग नहीं करना है, अपने घर में रह करके हमें किसी चीज को हटाना नहीं अपने जीवन से, भगवान को बस जोड़ना है। इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में सुहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्र विषयों के इंद्रियों की अग्नि में सुहा कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर गृहस्थों का के बारे में कहा गया है। तो देखिए, जब भी हम गृहस्थी में आते हैं, गृहस्थ में होता है, तो क्या होता है हमारा, हम बहुत अपने आप में संशय उत्पन्न हो जाता है हमारा कि गृहस्थ में रह करके भगवान की भक्ति करना क्या मुश्किल है क्या। ठीक है, तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि गृहस्थ का मतलब होता है गृह, गृह जो होता है गृहस्थ में, गृह तो गृह का मतलब घर और मकान नहीं होता है, गृह का मतलब होता है गृहिणी। ठीक है, तो और हम कई लोगों को महाराज बताते हैं कि कई लोगों को मैं ये पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे पास समय क्यों नहीं मिला तुमको प्रवचन सुनने का, समय निकाल के प्रवचन सुनो। तो लोग बोलते हैं क्या कि मैं तो बहुत जंजाल में फंसा हुआ हूँ, मैं सारा जंजाल और सारा जाल में फंसा हूँ प्रभु, इसीलिए तो नहीं आ पाया आपका। तो प्रभु बहुत अच्छे से महाराज समझाते हैं कि ये सिर्फ बोलने की बात है, ठीक है, कि मैं जंजाल में फंसा हूं, मैं जाल में फंसा हूं, लेकिन ये महसूस नहीं करते। अगर जो व्यक्ति जाल में महसूस करे, जाल महसूस करता है, वो जाल को तोड़ने का प्रयास करेगा, नहीं तो जाल के साथ ही गुरु के पास चला जाएगा, तो दो प्रयास करेगा। आप किसी पंछी को क्या कीजिए, उसके उसके ऊपर एक जाल डाल दीजिए, पंछी क्या करेगा, फड़फड़ाने लगेगा और किसी न किसी तरह से उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, कोई ना किसी तरह से उसे भागने की कोशिश करेगा। तो हम बस ये बोलते हैं कि हम जाल में फंसे हैं, पर उस जाल को तोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, इसे बोलने की बात है। तो यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं कि गृहस्थ में क्या करना है, भजन करना है। अगर हम भजन करते हैं तो इस जाल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ भगवान बता रहे हैं चार तरीके के ज्ञान, किस तरह से ज्ञान, भगवान का ज्ञान लिया जा सकता है, क्या क्या है। देखिए, शुरू से नीचे से देखिएगा, नीचे के तस्वीर से देखिएगा, तो एक आपको भक्त को दिख रहा है, एक आपको कि सारा धन उसने भगवान पे अर्पित कर दिया है, त्याग दिया है, उसको क्या कहते हैं, द्रव्य यज्ञ कहते हैं। पुण्य कर्म करना, अपने दान पुण्य करना, अस्पताल बनवाना, ठीक है, इसको द्रव्य यज्ञ के द्वारा भगवान का ज्ञान लिया जा सकता है। दूसरा, सेकंड में क्या है, स्वधा यज्ञ। स्वधा यज्ञ क्या है, यहाँ वेदों का पठन के द्वारा, ये बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण है, वेदों का पठन। ठीक है, ऊपर में देखिए, ऊपर में दाहिने साइड में ऊपर जब जाएंगे तो इसको क्या कहा जाता है, ये है हिरण्यकशिपु का तस्वीर देख रहे हैं आप, तो ये अष्टांग योग है जो छठे दिन परसों दिन हम पढ़ेंगे। और अंत में क्या है, अंत में भी वो भी द्रव्य यज्ञ में आता है, जब ये ध्रुव महाराज का है, जब इन्होंने सारा अपना जीवन, ये भी अष्टांग योग, अपना सारा अष्टांग योग के पद्धति के द्वारा भगवान की भगवान को स्मरण करते हैं। तो इन यज्ञों के द्वारा हम भगवान को, इन ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान को, भगवान यहाँ संस्तुति कर रहे हैं। हे कुरुशेष, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जीवन में कैसे रह सकेगा। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गोतवा, सारे कर्म युग का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो जितने भी ज्ञान है लेने का, या द्रव्य यज्ञ ले लीजिए, या स्वधा यज्ञ ले लीजिए, या अष्टांग योग ले लीजिए, सबका ऑब्जेक्टिव यही है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बहुत मुख्य बिंदु पे आ जाते हैं, और यहाँ पे गुरु को परिभाषित किया गया है, और ज्ञान लेने को इस कलयुग में भगवान ये तरीका बता रहे हैं, क्या है।
तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर के जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, और उनके क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाइए, आपका अध्याय समाप्त हो जाएगा, ठीक है? कहीं मत, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है अभी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, गुरु गुरु क्यों परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है? हम गुरु से बात, कभी कभी हमें हमारे मिथ्याचार से उच्चते वाला जो श्लोक है उससे हम कई गुरु, जो भारत में ऐसे कई गुरु आते हैं जिसमें हमारे मन में ये शंका पैदा हो जाता है कि गुरु तो है, गुरु जो हमारे भारत में अभी तक जो टीवी में दिखाते हैं, कोई वो पुलिस पकड़ के ले जा रहा है गुरु को, कोई वो पुलिस पकड़ के ले जा रहा है, तो ये क्या है, मिथ्याचार है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, गुरु की परिभाषा, तुम गुरु के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो, प्रश्न जरूर कीजिए, परंतु प्रश्न करने का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिज्ञासा करना, ठीक है, समझने का कोशिश करना है हम गुरु के पास, और परंतु उनको चैलेंज नहीं करना। क्योंकि गुरु कौन होते हैं, गुरु वो होते हैं जिनको तत्व का ज्ञान है, जो जो ज्ञानिना तत्व दर्शन, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, जो भगवान के पार्षद होते हैं, वो हमें भगवान उनको भेजते हैं हमें लेने के लिए, ठीक है? भगवान स्वतः तो नहीं हर जगह तो नहीं आ सकते, तो क्या करते हैं, गुरु को अपने पार्षद को भेजते हैं कि जाओ इनको उद्धार करो, जाओ इनका उद्धार करो, जाओ इनका उद्धार करो। तो उनको तत्व का दर्शन है, तो हमें क्या करना है, विनीत भाव से उनसे जिज्ञासा करना है, ठीक है? तो ये है गुरु। और हम अगर गुरु से ज्ञान लेते हैं तो क्या फल मिलता है, ज्ञान लेने का क्या एडवांटेज है, क्या यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो ये चित्र देखिए, इस चित्र में बहुत कुछ डिपिक्ट किया जाता है। ये जो समुद्र है, ये क्या समुद्र है, ये हमारा भौतिक जगत, हमारा भव सागर है, ठीक है? हम अपने आप को हो सकता समझें कि हम स्वतः ही इतने प्रकांड विद्वान हैं कि इस जीवन को खुशी खुशी निकाल देंगे, परंतु वो हमारा मिथ्या अहंकार है। अगर हम गुरु का साथ लेते हैं तो गुरु क्या करते हैं, गुरु ये इस नदी में एक जहाज बन करके आते हैं, जहां पे वो हमें उस जहाज से इस नदी को पार करा देते हैं, इस पूरे समुद्र रूपी मृत्यु संसार सागरात, ये सागर को भगवान गुरु हमें ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा भगवान से जोड़ते हैं और इस भव सागर को पार कराते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है, ठीक है? बहुत सुंदर श्लोक है। ज्ञान के द्वारा पाप और पुण्य दोनों का खात्मा हो जाता है, दोनों को जीत लिया जा सकता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है, होता है। तो देखिए कितनी अच्छी शब्द, कितने अच्छे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी। 70 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं और हिप्पियों के बीच में रहते हैं, बिल्कुल अपना दिव्य ज्ञान के प्रति पूरा समर्पित। 40 साल उन्होंने लगा दिया, 40 साल असफलता देखी, 40 साल असफलता देखी का क्या मतलब है कि उन्होंने एक अकेला कितनी प्रयास किया, हमने पहले दिन ही आपसे ये चर्चा किया था, कितना प्रयास किया उन्होंने, ठीक है? पूरे भारत में वो इस आंदोलन को स्टैब्लिश करने का, स्थापित करने का बहुत प्रयास, कठिन प्रयास किया, सफल नहीं हुआ, लेकिन उनको एक चीज पे पूर्ण विश्वास था, क्या, दिव्य ज्ञान और भगवान। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है वो पूर्ण रूप से श्रद्धा दिव्य ज्ञान में समर्पित थे, और अमेरिका जब उतरे जहाज से तो भी नहीं मालूम था दाहिने जाना है बाएं जाना है, और इसके बाद भी 1 साल अमेरिका में भी एक भी भक्त नहीं बना उनका, परंतु एक चीज
उनको पूर्ण रूप से वो क्या थे, श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित। और जब आया तो देखिए 10 साल के अंतराल में उन्होंने 108 मंदिर का स्थापना किया। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परित्याग करते हुए भक्ति करता और जिस जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वे वास्तव में अधर्म परायण परायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो प्रभुपाद जी अपने यत्ताचरित अपने चरित्र से हमें सिखाते हैं कि अगर हम भगवान पे पूर्ण रूप से श्रद्धा, और भगवान भी यही कह रहे हैं। और इस गीता क्या है, गीता हमें जीवन में उतारने का, गीता एक प्रैक्टिकल ज्ञान है हमारा। भगवान बताते हैं ये विज्ञान है, और प्रभुपाद जी हमें ये करके दिखाते हैं। इस पूरे ग्रंथ को वो जी करके दिखाते हैं। ठीक है, उन्होंने सभी कर्मों का फल का परित्याग किया और इस पे पूर्ण विश्वास किया, और जीवन में इसको स्थापित करने में सफल भी हुए। स्थापित सफल नहीं हुए, अपार सफलता स्थापित की। अभी 800 से ऊपर मंदिर और केंद्र हैं। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। ये बहुत सुंदर से सुनिएगा, क्योंकि ये कल के अध्याय का आगाज है ये श्लोक। और हे भरत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। ठीक है, तो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, अब मैं तुमको सारा ज्ञान बता दिया, गीता का ज्ञान दे दिया, कब मैंने लाया था, कब मैंने बोला था, कब कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, किस ऑब्जेक्टिव से आता हूँ, ज्ञान की विधि के बारे में बता दिया। ठीक है, तो अब तुम उठो और अपने ये अज्ञान को, जो संशय रूपी अज्ञान है, उसको ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो और लड़ाई करो, युद्ध करो। ठीक है, तो इसके साथ ये कंफ्यूज करेगा ये श्लोक, तो कल इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह कंफ्यूज होते हैं। स्वामी प्रभुपाद क्या कहते हैं इस अध्याय के बारे में, इस अध्याय में जिस योगपति का उपदेश है वह सनातन योग कहलाता है। सनातन का क्या मतलब है, सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि है ना अंत है। ठीक है, तो ये योग क्या है, सनातन है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव का यज्ञ जो मैंने आपको बताया, जहाँ पे द्रव्य क्या मतलब होता है, दान दे देना, अपना सब कुछ, धन दौलत ये सब दान देना। और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। ठीक है, आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपना स्वरूप का समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। इसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया। तो भगवान ने कार्यकलाप का वर्णन किया ना, कब आते हैं, कैसे आते हैं, और जानने का क्या परिणाम होता है, दिव्य हो जाता है। उसका जन्म कर्म वो कभी जन्म नहीं लेता। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है। और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्णा भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो आज अर्जुन ने डेलिबरेटली ये प्रश्न किया, आप मेरे समकालीन क्यों खड़े हैं। ठीक है, तो इसकी, और भगवान स्वतः ही कह रहे हैं, अजो अपि सन अव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन। ठीक है, मेरा जन्म भी दिव्य है और मैं अविनाशी हूँ। प्रभुपाद जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने के बाद भी अगर हम इस भगवान की दिव्यता को नहीं समझ पाए तो प्रभुपाद जी बहुत ही कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मूर्ख। ठीक है, हरे कृष्ण। आज ये ज्ञान योग आपका खत्म हुआ, और कल कल जो योग के पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो आपको थोड़ा सा विचलित करेगा, क्योंकि ये योग हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं करेंगे कल के अध्याय में। हरे कृष्ण। इन्हीं का कोई चर्चा करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर आप चैट में डाल सकते हैं। चैट में डालने में कभी कभी मेरे से अगर मिस हो जाता है कुछ, तो आप लोग अपने प्रश्न को नोट करके रखिए
और अगले दिन जल्दी आके पूछ लीजिए। आज समय नहीं मिला नहीं चैंटिंग का, परंतु चैंटिंग कल करेंगे। आज माता जी का बहुत अच्छा भजन चल रहा था। कविता घोष माता जी, कोई प्रश्न है आपका माता? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक वैष्णव में क्या क्या गुण होने चाहिए? जैसे किसी ने पूछा कि एक संदिग्ध और सजातीय सतोवर वैष्णव में कौन होते हैं? दोबारा प्रश्न रिपीट कीजिए माता जी। कुछ शब्द मैं जी पहली बार सुन रहा हूँ, दोबारा रिपीट जी कीजिए। मुझे भी लगा। तो वैष्णव में क्या क्या गुण होना चाहिए? एक वैष्णव में सतोगुण वैष्णव कुछ होता है क्या? नहीं ना। माता जी, ये हम जब 14वां अध्याय पहुंचेंगे, वैष्णव सतोगुण से परे हो ऊपर होता है माता। वैष्णव जी सबसे, वैष्णव देखिए चैतन्य महाप्रभु वो क्या बताते हैं, वैष्णव वो तो बहुत दयालु हैं महाप्रभु। वो तो जी बोलते हैं एक बार भी जो भगवान का नाम ले ले वो वैष्णव है। जी परंतु सतोगुण, जिसमें सतोगुण होता है वो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, जिन्हें तत्व का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है। जी वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होता है। वैष्णव का मतलब ये होता है विष्णु का भक्त, और जिसको देख करके मुझे भगवान का स्मरण हो जाए उसे वैष्णव कहते हैं। ब्राह्मण से एक भगवान सबसे वो उच्च श्रेणी का भक्त होता है इस पूरे, फिर पूरे भौतिक जगत का सबसे उच्च श्रेणी का जीव होता है वो है वैष्णव। वो ब्राह्मण से बहुत ऊपर होता है, जिसको देख जी के वो हमें भगवान का स्मरण हो जाए, ठीक है, उसे वैष्णव बोलते हैं, ब्राह्मण ठीक है माता। से ऊपर होते हैं और जिनको देखकर भगवान का ओके भगवान का ही स्मरण हो जाए, भगवान हमें याद आ जाए इनको देख के। जी जी धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कल एक भजन कर सकती हूँ क्या मैं? भजन करने के लिए, भजन तो आप जितनी बार वैष्णव बोलेंगे भजन हम ही, बिल्कुल वैष्णव बिल्कुल भजन ही जी बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, स्टार्टिंग करूंगी। बिल्कुल माता जी। चैतन्य प्रभु का ही। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे सुन कृष्ण। गीता जी का हिंदी में अभ्यास करना चाहिए या संस्कृत में? वंदना माता जी कह रही, गीता जी का हिंदी में अभ्यास करना चाहिए या संस्कृत में? हमें बस फिलॉसफी समझना बहुत महत्वपूर्ण है माता जी। आपको जो भाषा में समझ में आए, इसलिए ये मुझे स्मरण नहीं है, पर 72 लैंग्वेजेस में है। हमें इसको फिलॉसफी समझना इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको इच्छा है तो उसके श्लोक को स्मरण कीजिए और भी पढ़िए, परंतु फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है। तात्पर्य को पढ़िए, वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने अच्छे हैं माता, कि प्रभुपाद जी के पहली बार आप तात्पर्य अगर पढ़ेंगे तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और वो उस क्वेश्चन का जवाब या तो अगले तात्पर्य में आपको मिल जाएगा या फिर अगले अध्याय में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके कोई प्रश्न जो है वो बिना उत्तर के नहीं रहने वाले हैं, परंतु इसके लिए हमें 5, 6, 7 बार पढ़ना पड़ेगा, आजीवन पढ़ते रहना पड़ेगा। परंतु प्रभुपाद कहते हैं 6 बार तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा। तो इसके तात्पर्य को पढ़िए। प्रभुपाद जी ने बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया है, बहुत सारे शास्त्रों का उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए शास्त्रों के अनुसार उन्होंने बताया है, सामान्य भाषा में समझा है, उदाहरण बहुत ही जीवंत उदाहरण दिए हैं, हमारे लाइफ से रिलेटेड उदाहरण को दे करके समझाया है। तो तात्पर्य को पढ़िए, यथारूप है इसलिए इसे यथारूप कहते हैं। आज हमने पढ़ा ना यथ की परंपरा विधि, तो इसीलिए इस गीता का क्या नाम है, यथारूप, मतलब जैसा भगवान ने कहा वैसे ही प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है, उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं है, कुछ घटाया नहीं, ठीक है। इसको तात्पर्य को पढ़िए और इसको फिलॉसफी को समझिए माता जी, बस। प्रिया दुबे माता जी पूछ रही हैं, आप हरे कृष्णा की चैंटिंग करने को कहते हैं, हम ओम क्लीम कृष्णाय नमः का चैंट करते हैं, एक साथ दोनों को किया जा सकता है? किया जा सकता है माता जी, बिल्कुल किया जाता है। देखिए कल भी मैंने आपको समझाया था, चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि भगवान अपने
सभी अपनी शक्ति जो है उन्होंने पूरे नाम में लगा दिया है। इस कलयुग में पूरा युग धर्म ही भगवान का नाम को लेना ही है, ठीक है। और पहले के युग में तो बहुत सारे कार्य करने होते थे, हम आगे छठे अध्याय में पढ़ेंगे क्या क्या सतयुग में क्या युग धर्म था, द्वापर में क्या, त्रेता में क्या, द्वापर में क्या। परंतु युग धर्म इस कलयुग का बहुत ही आसान भगवान ने कर दिया है, वह है यजंती ही प्रायर, यजंती यज्ञ ही प्रायर, यजंती ही सुमेधसा। बस भगवान का हरि का नाम लेना है, ठीक है। तो जितने भी नाम है, जो नाम आप ले रहे हैं वो भगवान ने अपनी शक्ति में डाल दिया, आप ले सकते हैं। बट हरे नाम का, हरे कृष्णा हरे महामंत्र को जरूर जोड़िए। शिवदीप सिंह रघुवंशी मिलते हैं, गुरु कहाँ मिलेगा, मिलेंगे प्रभु आपसे, गुरु भगवान आपको भेज देंगे, आप बस चैंटिंग शुरू कीजिए और शास्त्र को पढ़ना शुरू, थोड़ा गीता का अध्ययन कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए भगवान। आपको कोई ना कोई एक इंसिडेंट ऐसा आ जाएगा जब आपको गुरु आपके सामने भगवान भेजेंगे, ठीक है। गुरु हमें मिलता है, गुरु हमें मिल जाएगा, अगर हमार आस्था मिलती में मिलेगी तो आप इस चीज को देखेंगे, स्वयं देखेंगे। क्योंकि जब शिव युग में लीन थे और क्या आपने लिखा है अनुराग प्रभु जी, बहुत क्या इस्कॉन के अनुसार अनुसार मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस्कॉन के अनुसार शिव जी भगवान नहीं है, सिर्फ एक देवता है। देखिए प्रभु जी, इस प्रश्न का अभी उत्तर नहीं दे सकते। इस्कॉन नहीं बोलता है जो शास्त्र, इस्कॉन सिर्फ शास्त्र को फॉलो करता है और शास्त्र में ब्रह्मा जी बताते हैं, वो वर्ष याद करने दीजिए मुझे, ब्रह्मा जी बताते हैं, श्री क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न ततः पृथगस्तु हेतु न शंभुताम अपि तथा न शंभुताम अपि तथा, पूरा याद मुझे नहीं आ रहा है, न शंभुताम ये न शंभुताम अपि तथा संजायते गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। मुझे पूरा स्मरण नहीं है, लेकिन इसका मुख्य क्या है, क्षीरम तथा दधि विकार विशेष योगात, ठीक है। संजायते नहि ततः पृथगस्तु हेतु, यानी क्षीरम दूध और यथा दधि दही, ठीक है, विकार विशेष योगात। दूध और दही, दूध से ही दही बनता है, ठीक है। कैसे, विकार विशेष, जब उसमें विकार विशेष योगात, जब उसमें कोई खटाई डालते हैं दूध में तो उसका वो दही बन जाता है। परंतु दही जो है, दही और दूध दोनों भिन्न भी नहीं है और दोनों समान भी नहीं है और दोनों भिन्न भी नहीं, क्योंकि दूध के बिना दही नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह, और दोनों समान भी नहीं है, ठीक उसी तरह भगवान ओम और भगवान शिव विष्णु के और जीव के बीच के तत्व हैं, ठीक है। इसको बस अभी इतना ही समझिए। और उनका वो वैष्णवान, वो वैष्णव में सबसे उच्च वैष्णव है, ठीक है, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए अभी। और वो उनका एक प्रयोजन है, वो विशेष प्रयोजन के लिए भगवान उनका एक भगवान उनको विशेष प्रयोजन के लिए एक ऑथराइज किए हैं भगवान शिव को। तो भगवान शिव जो है वो विष्णु के सबसे बड़े आराधक हैं, ठीक है। तो
इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। और किसका प्रश्न है? अच्छा, इस्कॉन का अपना कोई इस्कॉन में प्रभु सबसे पहला ये आपको आप सभी को क्लियर कर दें कि जहां भी देवता और ये आता है तो बहुत की अपनी मान्यताएं होती हैं। तो इस्कॉन में ऐसा नहीं है कि देवता पूजन, हर एक देवता को पूजना की संस्तुति की जाती है। और तीसरे अध्याय में भगवान ने देखिए कल हमने क्या पढ़ा, भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हें मेरे लिए कर्म करना नहीं आता है तो तुम क्या करो, देवताओं को प्रसन्न करो। अनादर किसी को नहीं है, सबको आदर है, ठीक है, क्योंकि भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। लेकिन इन डिफरेंस को हम धीरे 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 जब हमें हम शास्त्र को पढ़ने लगेंगे, शास्त्र को पढ़ने लगेंगे, ठीक है, समझने लगेंगे, तो फिर हमें डिफरेंसेस पता लगने लग जाएंगे। राजन प्रभु कह रहे हैं हरे कृष्ण प्रभु जी, चिल्ड्रन के लिए लिंक दीजिए, चिल्ड्रन के लिए लिंक दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, मेरे पास तो लिंक नहीं है, लिंक लेकर क्या कोई को-होस्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मैं को-होस्ट को अभी बोल देता। कोई को-होस्ट है क्या? ठीक है, मैं कल लेकर के आपको देता हूं। हाँ, आप क्या प्रश्न था? गुरु था मिलने, प्रश्न का उत्तर देते टाइम आवाज भी नहीं रही। अच्छा, आवाज में कोई दिक्कत आ सकती है क्योंकि आज थोड़ा इंटरनेट का मेरा डाउन है। तो एक्चुअली मैं क्या बोला प्रभु, मैंने ये मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, हमें बस भगवान की चैंटिंग करिए, भगवान के शास्त्र को पढ़िए, गुरु भगवान स्वयं आपको भेजेंगे, किसी न किसी तरह भेजेंगे, और ये चीज को आप महसूस कीजिएगा, ठीक है, गुरु भगवान दे देंगे आपको, ठीक है, तो भगवान भेजेंगे गुरु को। और अगर हम खुद भी चुनने चले जाएं तो हम गुरु को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, जब हमें खुद ज्ञान नहीं होगा तो हम गुरु को कैसे पहचान जाएंगे? हो सकता है हम मिथ्याचारी, क्योंकि क्या होता है जो अलंकारिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उनके पीछे हम देखते हैं कि हम हमारा रुझान बहुत हो जाता है, अच्छे अच्छे शब्द, अलंकारित शब्द, अच्छे बोलने वाले, अच्छे प्रवक्ता, तो उन उनमें क्या होता है, हमारा हमारा रुझान बढ़ जाता है। हमें वैसा रुझान नहीं बढ़ाना है, जिनको तत्व का ज्ञान हो, अगर हम तत्व के बारे में जानना चाहते हैं तो भक्त हो सकता अच्छा प्रवक्ता न हो सकता अलंकारिक शब्द का शब्दों का इस्तेमाल करना न जानता हो, परंतु उसका हृदय शुद्ध है और उसका तत्व का ज्ञान है, गुरु वो हो सकता है, ठीक है। भगवान कहते हैं कि कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र केने नो जय कृष्ण तत्वेता सही गुरु होए, यानी गुरु कोई भी हो सकता है, एक शूद्र भी हो सकता है, एक सन्यासी भी हो सकता है, एक ब्राह्मण भी हो सकता है, परंतु मुख्य योग्यता एलिजिबिलिटी क्या है, जय कृष्ण तत्वेता, यानी जिसे कृष्ण का तत्व का ज्ञान हो वही गुरु होता है, ठीक है। तो हम शुरू में तो ढूंढने जाएंगे तो हमें खुद पता नहीं होगा, तो हम वो छोड़ भगवान पे छोड़ दीजिए, वो भगवान हमें गुरु ला करके दे देंगे। प्रीति गौतम माता जी, आज मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, आज समय नहीं मिल पाया और पौने 8 बजे आज माला लेकर के मैं आया हूँ। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, देखिए ये है, इसे सुमेरु माला बोला जाता है माता जी, और इसको पकड़ के हम पंच तत्व कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा आदि गौर भक्त वृंद, ठीक है, इसको बोलते हैं। और फिर हर एक माला में, हर एक मोती में हम कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये हो जाता है फिर हम दूसरे माला में जाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह ये 108 बीट की माला होती है,
और ये हम माला करते 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 फिर हम जब ये माला यहाँ पे समाप्त करते हैं, यहाँ पे समाप्त करते हैं, तो जहां से हम समाप्त करते हैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है हमें हमें ये सुमेरु माला क्रॉस नहीं करना है। ये माला देख रहे हैं, ये सुमेरु मोती, अगर हमने यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे मान लीजिए समाप्त किया है, ठीक है, तो हमने जहां समाप्त किया है वहीं से शुरू करते हैं दोबारा, ठीक है। माला करने की यही विधि है, बहुत सिंपल है माता जी। और कल सुबह जल्दी होने से क्या, कल 5वां अध्याय है ना, कल जरूर करते हैं, कल जब खत्म हो जाएगा सेशन तो कल जल्दी खत्म करने का प्रयास करता हूँ, तो कल जरूर करते हैं, ठीक है माता। और किसी का कृष्ण शायन, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना, ठीक है फिर चलते हैं। वाचा कल्पतरु भैष्य कृपा सिंधु भय एव च पतिता नाम पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नवाचार हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी को।